आज सावन के महीने का पहला सोमवार है, जो सावन के महीने में हम कहते हैं कि भाई पौधा रोपण जरूर करना चाहिए, क्योंकि सावन के महीने में बारिश शुरू हो जाती है और बारिश जैसे ही आती है तो पौधों को लगाने का सीज़न आ जाता है। इसमें बहुत सारे पौधे लगाते हैं और सबको पौधा लगाने के लिए हम प्रेरित भी करते हैं। मेरे साथ मेरी बेटी है रियांशी का, तो हम आज सोमवार के दिन सावन के महीने रुद्राक्ष का पौधा लगाएंगे। ये है रुद्राक्ष का पौधा, इसको पहचान करना थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि ये कई पौधों के साथ मिलता जुलता होता है। रुद्राक्ष का पौधा हमारे उत्तरी भारत में, दक्षिण भारत के भी कुछ प्रांतों में, इंडोनेशिया, मलेशिया, नेपाल आदि में मिलता है। ये पौधा जो है तकरीबन 10 मीटर से 30 मीटर तक की हाइट का होता है और इसकी जो चौड़ाई होती है वो तने की 1 मीटर तक हो सकती है। सबसे बड़ी बात यह है कि रुद्राक्ष का पौधा भगवान शिव से जुड़ा हुआ है। शिव की जितनी शक्तियाँ होती हैं वो सारी की सारी इस रुद्राक्ष के पौधे के अंदर मानी गई हैं, और सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है, और शिव जो है वो मृत्यु से बचाने वाला है, जीवन देने वाला है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि हिंदू माइथोलॉजी में एक महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना बताया जाता है, जब आदमी अपने सबसे बुरी कंडीशन में होता है स्वास्थ्य की दृष्टि से, जैसे उसको जब रिसाइट करते हैं तो बोलते हैं ओम ओम जूम सह ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम पूर्वा रुक्मे बंधनान मृत्योर्मुक्ष्य माँ मृतात् सह जूम ओम ओम। इसके लाखों मंत्र करके आदमी अपने स्वास्थ्य को ठीक करता है। इसका दूसरा अल्टरनेट जो आदमी ये नहीं कर सकता या इसको नहीं रिसाइट कर सकता, तो उसके लिए सबसे आसान उपाय है कि अपने घर में, अपने बगीचे में, अपने खेत में रुद्राक्ष का पौधा लगाए। ये ज्योतिषीय दृष्टि से भी बहुत कारगर है। कई तरह के रुद्राक्ष होते हैं, इसके ऊपर जो रुद्राक्ष का फल लगता है वो लगभग नीले रंग का होता है और ये 3 से 4 साल का होने पर अपना फल देना शुरू करता है, और जब हम उस फल के पकने के बाद जब उसमें से निकालते हैं तो रुद्राक्ष निकलते हैं, 1 मुखी, 2 मुखी, 5 मुखी, 12 मुखी ऐसे होते हैं, तो उनको धारण किया जाता है। इससे पॉजिटिव एनर्जी मनुष्य के अंदर आती है। जब भी आप रुद्राक्ष धारण करते हो आपको शांति मिलती है, आपका रक्तचाप भी उससे कंट्रोल होता है। तो आज मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा कि रुद्राक्ष का पौधा लगाने के लिए जो महत्वपूर्ण चीज़ है वो क्या है, क्योंकि मैंने बहुत बार देखा है काफ़ी आमजन इसको लगाते हैं गमले में और ये मर जाता है। उसके 1-2 कारण हैं जो सामने आए हैं। सबसे पहली बात यह है कि रुद्राक्ष के लिए हमारे को जो गमले के अंदर मिट्टी चाहिए या ज़मीन में मिट्टी चाहिए, उसके अंदर एक तो लाइमस्टोन होना बहुत ज़रूरी है और दूसरा उसका ड्रेनेज होना बहुत ज़रूरी है। पानी उसके अंदर रुकना नहीं चाहिए किसी भी सूरत में। तो सबसे पहले मैं आपको गमला तैयार करना सिखाऊंगा, और साथ में ये मेरी बेटी बैठी है, ये भी सीखेगी, ताकि हम बच्चों को जब हम सिखाएंगे पौधे लगाना तो आगे उनका जीवन में इंटरेस्ट बढ़ता रहेगा और ये चीज़ें आसान हो जाएंगी। जब हम कोई पौधा लगाते हैं तो उससे फिर बच्चों का प्यार हो जाता है, वो इसको संभाल कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ गमला तैयार करना। ये गमला हर पौधे के लिए होता है तैयार करने का तरीका, जो मैं आपको बता रहा हूँ सबसे बेस्ट तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, और इसको ज़रा ध्यान से देखो। सबसे पहले गमले के अंदर एक छेद होना चाहिए, जैसे कि इसके अंदर बीच में सेंटर में छेद है। इसके बाद इस छेद के ऊपर हमने गिट्टी रखनी चाहिए। गिट्टी इसलिए रखी जाती है कि सारा पानी ना निकले और जो फालतू पानी होता है वो निकल जाता है और इसके साथ मिट्टी या खाद बह के नहीं जाती है। तो अब हम मिक्सर बनाएंगे जो खासकर हमारे रुद्राक्ष पौधे के लिए तैयार किया जाता है। आप देखेंगे मेरे पास इसमें गोबर की सड़ी हुई खाद भी है, कुछ सैंड रेत है, जमुना सैंड जिसको बोलते हैं, उसके बाद हमारे पास ये लाइमस्टोन भी है, ये काफ़ी भुरभुरा होता है, ये पानी को जो है इसके अंदर सोखने नहीं देता बहुत लंबे टाइम तक, तो इससे जड़ें निकलती है। उसके बाद हमारे पास दोमट मिट्टी है, इन सब का कम्बिनेशन हम बना के अपने इसमें डालने वाले, जैसे कि अभी हम बना लेते हैं। 2 भाग मिट्टी, 1 भाग
रेत और खाद, इसमें कुछ छोटे मोटे कंकड़ भी हैं, और इसके साथ एक भाग हमारा लाइमस्टोन का, ये हमारा मिक्सचर है। इसको हम तैयार कर देते हैं। ये देखिए, इसको अच्छे से मिलाइए, ठीक है ना बेटा। इसको ऐसे मिला के तैयार रखिए, और गमले को एक तिहाई गमला पहले मिट्टी से भर देना चाहिए, उसके बाद पौधा लगा के चारों तरफ से मिट्टी लगा के उसको दबाना होता है। तो आप देखेंगे इसके अंदर मैं एक तिहाई मिट्टी भर देता हूँ अभी। ये देखिए, इसके अंदर लगभग एक तिहाई मिट्टी हमने भर दी है। अब हम जैसे नर्सरी से पौधा ले गए थे, इसको बड़ा जेंटली लगाना है आपने। इसके साथ जोर जबरदस्ती करोगे तो मिट्टी टूट जाएगी, और मिट्टी टूटने के बाद ये ख़राब हो जाता है। जैसे इसको हम चाकू से काट देंगे, ये बहुत आराम से आपने इसको काट के निकालना है, मिट्टी को टूटने नहीं देना है, है ना बेटा। ऐसे निकालते हैं ऐसे। ये पूरा का पूरा पौधा जो है हमारा जेंटली हमने निकाल लिया। देखिए नीचे जड़ इसकी इकट्ठी हुई पड़ी है सारी की सारी है। अब हम इसको हमारी बेटी रियांशी के हाथ से लगवाएंगे। आओ बेटा लगाओ, आ जाओ, शाबाश। ये लगा रुद्राक्ष का पौधा। अब इसमें मिट्टी डालो। अब इसमें सबसे बात जो ध्यान देने वाली है वो ये है कि आपने चारों तरफ से जो मिट्टी डाली है उसको आपने अच्छे से इसकी ठुकाई करनी है, इसको अच्छे से ठुकाई करनी है ताकि इसके अंदर किसी प्रकार की हवा एयर ना रह जाए। अगर एयर बबल अंदर रह गए तो उससे जड़ें जो है ख़राब हो जाती है, इससे हमारा पौधा मरने की संभावना बढ़ जाती है। तो ये हमारा रुद्राक्ष का पौधा जो है गमले में तैयार हो गया है। अब ये रुद्राक्ष का पौधा इस गमले में एक साल दो साल तक चल सकता है, उसके बाद हमारे को या तो ये गमला बदलना पड़ेगा या इसको ज़मीन में लेके जाना पड़ेगा। तो आज सोमवार था, सावन का महीना था, शिव का इसके अंदर वास होता है, तो ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए हमने ये पौधा लगा अपने बेटे के हाथ से लगवाया है। तो हर घर में पौधा लगाना ज़रूरी है। अगली बार किसी और पौधे के बारे में बताऊँगा, और तब तक आप मेरी नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करिए। अगर आपको ये अच्छी लगी हो तो मुझे जो है कमेंट करिए। यदि इस पौधे से संबंधित या किसी और पौधे से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मेरे चैनल पर डाल सकते हैं, अपना फ़ोन नंबर डाल सकते हैं, अपनी क्वेरी डाल सकते हैं, हम उसका जवाब देंगे। धन्यवाद।